हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सोनी NX100 हो या Z150 कैमरा हो, फिलहाल मेरे हाथ में अभी Z150 कैमरा है। आइए पहले उस कैमरा से स्टार्ट करते हैं, उसका इंटरनल सेटिंग्स कैसे सेट किया जाता है या बाहर का सेटिंग्स कैसे सेट किया जाता है। पहले देखिए ये जो मार्क किया हुआ है ये मैनुअल फोकस है, और उसके बीच में ये जो अभी मार्क करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये है मैनुअल जूम रे। फिर ये देखिए, मैं अभी आप लोगों को जो घुमा के दिखा रहा हूँ ये है एक्सपोजर रिंग। इस एक्सपोजर रिंग के साथ फिल्टर का कनेक्शन है। अगर आप लोग फिल्टर 2 या 3 पे है तो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को फिल्टर 1 में लाइए, क्लियर फिल्टर करके काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ बिगेनर को बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। फिर देखिए ये बाहर का ऑडियो सेटिंग, इसमें मेरा कुछ सेट किया हुआ है। ये देखिए मैं जो अभी वॉल्यूम बटन घुमा रहा हूँ, ये अगर आप लोगों को ये मैनुअल में है तो ही इसका काम आएगा। अगर इसको ऑटो किया जाए तो वॉल्यूम बटन का कुछ काम का नहीं, इसलिए हमेशा मैनुअल में काम करना चाहिए तो क्वालिटी के लिए अच्छा होता है। फिर देखिए ये जो सेटिंग्स है ये एक्सटर्नल माइक और इंटरनल माइक के लिए है। ये देखिए मेरा ये अभी एक्सटर्नल माइक पे सेट किया हुआ है, और इंटरनल माइक के लिए वो सेट करने के लिए उसको थोड़ा ऊपर लेना होगा। दोस्तों, अभी जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आप लोगों के लिए वीडियो बना के रखा हूँ। उसके अलावा भी जो गेन सेटिंग्स, व्हाइट बैलेंस सेटिंग्स, शटर सेटिंग्स, जो भी आप लोगों को चाहिए उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो देख सकते हैं। अब ये आइए, ये अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये जो बटन है ये ऑटो जूम बटन है। पहले जो दिखाया था वो मैनुअल था, ये ऑटो बटन है। और जो अभी अभी दिखाया था एक्सटर्नल माइक, ये एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए 2 बटन दिया हुआ है, Channel 1 और Channel 2। ये है रिकॉर्ड बटन। अब आइए बैटरी लगा के कैमरा ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लेने के बाद इंटरनल सेटिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ डिटेल्स में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका हर एक वीडियो का डिटेल्स में बना के रखा हूँ, आप लोग उसमें पूरा डिटेल्स लेके कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। पहले आइए ये मेनू बटन दबा रहा हूँ, मैं अभी मैं मेनू खोल रहा हूँ। मेनू खोलने के बाद पहले आइए आप लोगों के लिए ये जो डिस्प्ले सेट है, इस पर जो पहला काम है मार्कर, आप लोगों को मार्कर सेट कर लेना चाहिए। पहले यो सेंटर मार्क, ये देखिए सेंटर मार्क और सेफ्टी जोन ऑन करके दिखाया है। उसके बाद आप लोगों को 4:3 में चाहिए तो आप लोग 4:3 में भी ये मार्क बना सकते हैं। उसके बाद आइए आप लोगों को अगर गाइड फ्रेम चाहिए तो वो भी ऑन कर सकते हैं। फिलहाल ये इतना ज़रूरी नहीं होता है, अगर आप लोगों को चाहिए तो वो ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आइए ये जो मार्कर का ये जो सेंटर है वो भी हम लोग ऑफ करके दिखाते हैं कि इसे ऑफ किया जाता है। ये देखिए सेंटर मार्क भी अभी ऑफ कर दिया। फिर देखिए ये सेफ्टी जोन वो भी ऑफ करके दिखाया, ये देख लीजिए। फिर आइए कैमरा सेट पे, उसमें आने के बाद आप लोगों को ये आउटडोर, इंडोर, मैनुअल, व्हाइट बैलेंस, व्हाइट बैलेंस टेम्परेचर कैसे सेट किया जाता है उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें अच्छा से बना के रखा हो, आप लोग उधर से जाके देख सकते हैं। फिर आइए अभी देखते हैं थोड़ा नीचे आके, ये देखिए
कलर बार, कलर बार कैसे ऑन किया जाता है, क्योंकि कलर बार बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी कोई शॉट स्टार्ट करने से पहले कलर बार देना होता है, और दो शूट का बीच में भी कलर बार का ज़रूरत होता है। ये है कलर बार ऑन ऑफ करने का तरीका। ये है पिक्सर प्रोफाइल, पिक्सर प्रोफाइल का भी दो तीन वीडियो बना के रखा हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक से देख सकते हैं। ये है उसका सेटिंग्स, पिक्सर प्रोफाइल में जो जैसा चाहिए ऐसे अलग अलग करके सेट करके रख सकते हैं। फिर आइए, फिर दिखाते हैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट का भी पूरा वीडियो डिटेल्स बना के रखा हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके सीख सकते हैं। सिर्फ मैं आप लोगों को ड्रॉअर में कहा कैसे क्या होता है वही सिर्फ दिखा रहा हूँ। यह आउटपुट सेटिंग, HDMI वीडियो, SDI कैसे सेट किया जाता है आप लोग इधर में कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अभी जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये सब सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कहा है कैसे किया जाता है, लेकिन डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें जाके पार्ट पार्ट करके मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, उसमें जाके देख सकते हैं। स्क्वीज कैसे किया जाता है, लेटर बॉक्स कैसे होता है, पूरा का पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में इसलिए दिया क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोगों को जो चाहिए वही पार्ट आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर आइए, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये वीडियो क्लिप्स, ये कार्ड को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। एड्रेस में आइए, एड्रेस में आने के बाद नीचे पे आप लोगों को मिलेगा ये मीडिया फॉर्मेट, मीडिया फॉर्मेट के क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये दो कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोगों का जो कार्ड है, कार्ड ए पे है तो वन पे क्लिक कीजिए, अगर कार्ड टू पे है तो टू पे क्लिक कीजिए। कोई 10-12 सेकेंड या ज़्यादा क्लिक हो तो 30 सेकेंड का टाइम लगा। ये देखिए मेरा सिर्फ 12 सेकेंड का टाइम ले रहा है, फिलहाल अभी ये मेरा फॉर्मेट हो गया। उसके बाद देखिए ये फॉर्मेट होने के बाद ये जो काउंटर है उस काउंटर को कैसे रीसेट किया जाता है, यानी ज़ीरो किया जाता है। ये टाइम कोड ज़ीरो करने के लिए आप लोगों को फिर मेनू पे जाना होगा। मेनू पे आने के बाद ये देखिए TCUB सेट, इसमें जाना होगा। उसमें जाने के बाद आप लोगों को जाना होगा TC प्रीसेट में। ये देखिए मैं आप लोगों दिखा रहा हूँ, TC प्रीसेट में गया, उसके बाद रीसेट पे क्लिक किया, ये देखिए काउंटर ज़ीरो हो गया।